भिंड में हजारों बोरी गेहूं खराब करने की साजिश का वीडियो हुआ वायरल। भिंड जिले के उमरी कस्बे के गेहूं खरीदी केंद्र पर गेहूं के बोरों को पानी की लेजम चलाकर बोरों में भरे गेहूं को खराब करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी को इसकी भनक लगी तो अनन फनन में मामले की जांच शुरू कर दी गई। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदती है। इसी के तहत जिले भर में गेहूं की फसल को सरकार संस्थाओं के माध्यम से खरीदवा रही है। जिले के उमरी कस्बे के उपार्जन केंद्र पर भी किसानों की गेहूं की खरीदी हो रही थी। गेहूं की बोरियों को बोलने को संस्था के कर्मचारी द्वारा पाइप से पानी डालकर भिगा देने का मामला वीडियो सामने आने के बाद खरीदी करने वाले संस्था के सचिव भजन सिंह से जब बात करने की कोशिश की गई तो वह कैमरे के सामने आने को तैयार ही नहीं हुए। लोगों का कहना है कि दो कारणों की वजह से गेहूं के बोरों पर पानी डाला जा सकता है। एक वजह तो यह हो सकती है कि गेहूं की बोरों से गेहूं निकाल कर उनको पानी से भिगो दिया जाए और उनका वजन बढ़कर बराबर कर दिया जाए। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि संस्था के सचिव द्वारा घटिया किस्म का मिलीभगत करके गेहूं खरीदी हो सकती है और वेयर हाउस में खपाने के लिए भिगो दिया जाए। बरसात का सीजन आने के बाद उसे बरसात में भीगा बताकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इस पूरे मामले के बारे में जब आपूर्ति अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी साजिश की बात को स्वीकार करते हुए साजिश के बिंदुओं पर भी मामले की जांच करने की बात कही है। देखो, राशन वितरण एक अलग चीज़ है, उपार्जन एक अलग चीज़ है। ये अभी इस साल का उपार्जन की बात कर रहे हो। राशन वितरण में कभी कभार एक आध दो जगह आया हो तो तुरंत वापस करा दिया गया है, क्योंकि पुराना गेहूँ 19-20 का रखा हुआ है वेयर हाउस में, तो ख़राब हो जाता है, उसको वापस उसको हम नहीं लेते हैं। PDS में जो भी गेहूँ बट रहा है बिल्कुल सही बट रहा है और आज जो है अपना जिला सबसे अच्छा वितरण कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक दो कर्मचारी, ये बैंक के कर्मचारी रहते हैं सोसाइटी वाले, ये लापरवाही कर दें या जानबूझ के कोई साजिश करें तो उसकी तो जांच ही करना पड़ेगी। ये मामला संज्ञान में आया है।